हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा करौली ज़िले की यानी जो मासरपुर तहसील है उसमें एक स्थान है, उसका नाम है खोआ। वहाँ पर जो भैरवनाथ जी का मंदिर है और आपको बहुत ही नज़ारा अच्छा है, आपको सब कुछ दिखाऊंगा उस वीडियो में, तो बने रहिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलते हैं दोस्तों, अभी बताते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए दोस्तों, अभी जा रहे हैं और रास्ते में चल रहे हैं। ये रास्ता है जो पैदल जा सकते हैं, लेकिन अभी साधन से कोई आना चाहता है तो वो मासरपुर तहसील से सीधा आ सकता है। तो देखिए, इस तरह से जाना पड़ता है और अभी आपको दिखाएंगे सब व्यू। ये देखिए, सब पीछे मेरे सब मेरे गांव के लोग हैं और ये देख सकते हैं आप तरीके से हम चल रहे हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा देर तक रुके हैं क्योंकि पसीना आ गया था, इसलिए यहाँ पर और आराम से थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और इस तरह सब लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। देखिए, ये है MS बांसवाल जो मेरे बेस्ट फ्रेंड, और सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो अभी काफ़ी अच्छा व्यू, इसलिए अब मैं तो काफ़ी गाँव से गया नहीं तो ये देख सकता हूँ। 10 मिनट और है यहाँ पर, हाँ 10-20 मिनट बस। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से चल रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, कितना अच्छा नज़ारा है। और ये सब लोग जा रही हैं और काफ़ी अच्छा है। आप बैक कैमरे से इस नज़ारे को भी दिखाता हूँ मैं। और देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी ऊंचे पर खड़ा हूँ और यहाँ देख रहे हैं ये नीचे काफ़ी नीचे पानी और भरा हुआ है और बहरा भी है, उस चल रहा है तो काफ़ी इंजॉय आ रहा है आने के लिए। तो मेरे तो पसीना आ गया। और कभी देख, अभी आपको अच्छे से अच्छे भी और व्यू दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए। और ये देखिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और काफ़ी अच्छा है यहाँ भैरवनाथ जी का, वो भैरवनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है। और एक झरना भी है यहाँ जो ऊपर से पानी गिर रहा है, यानी कहीं से आ रहा है, इसका कोई पता नहीं है। तो आप सब भी इस वीडियो में दिखाऊंगा, बने रहिए एंड तक। और अभी हम जा रहे हैं, ये देखिए नीचे का व्यू। हम जो यानी जो पहाड़ी सी है उस पहाड़ी पर चल रहे हैं और नीचे जो पानी बह रहा है काफ़ी नीचे, यानी कि कम से कम 30-40 फुट तो इतना तो होगा। और इतने ऊपर हम पानी से ऊपर चल रहे हैं इस पहाड़ी पर, तो बने रहिए एंड तक। अभी सब कुछ इस वीडियो में और आगे जाके मैं पूरा दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, और इतने शानदार व्यू आ रहा है कि काफ़ी हम कुछ कह सकते नहीं हैं। देखिए, और काफ़ी नीचा है ये, नीचे देख रहे हैं आप, मैं बैक कैमरे से सब कुछ दिखा दूंगा। ये सब लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, हमें ये पहाड़ी से चलते हुए जा रहे हैं। ये देखिए नीचे, कितने नीचे आए। और अभी आपको सब कुछ व्यू दिखा दूंगा मैं। देखिए दोस्तों, जो ऊपर से नदी में पानी बहकर और नीचे आ रहा है, और यहाँ तो अभी कम है अभी। अब ये सब मेरे साथ आई हुई हैं, ये देखिए। और अभी आपको आप दिखाएंगे जो आगे एक झरना है, ऊपर से पानी गिर रहा है और काफ़ी अच्छा व्यू उसमें दिखाऊंगा मैं। तो काफ़ी दिनों से आया भी हूँ, एक बार पहले आया, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया चलो आज चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर, करीब 20 फुट ऊँची पर है मैं खड़ा हुआ हूँ। और वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा, अब बैक कैमरे से मैं सब कुछ इसमें और दिखा देता हूँ। ये देखिए, बैठेंगे
ये देखिए मैं दोस्तों नीचे उतर आया हूँ और यहाँ देखिए इस तरीके से पानी बह रहा है, बारिश भी आ गई है थोड़ी थोड़ी। और हम चलते जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें तो पहुँचना है ना वहाँ। अभी इसी में चल रहा हूँ मैं, ऊपर से पहाड़ी हुई बनी हुई है ये, और ये है जो ऊपर से पानी बहकर यहाँ इस तरीके से गिर रहा है। ये देखिए सब कुछ मैं इस वीडियो में आगे बताता रहूँगा। ये देखिए सभी लोग हैं जो मेरे साथ ही चल रहे हैं। ये MS कंसवर जो साइंस पढ़ाते हैं, MS मस्ती साइंस के नाम से इनका चैनल है, तो आप ज़रूर जाएं वहाँ पर और उसे सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, अभी बारिश भी होने लगी है, लेकिन हम भी चलते जा रहे हैं और आगे सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊँगा, तो बने रहिए। देखिए दोस्तों बरसात तो चल रही है अभी और मैं आ चुका हूँ वहीं पर जो हमें आना था, लेकिन अभी प्रारंभ में आया हूँ, अभी यहाँ से शुरुआत हुई है और अभी आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सभी लोग हैं जो यहाँ सब दर्शन के लिए आते हैं, तो अभी आपको वीडियो में आगे सब कुछ दिखाऊंगा। तो ये है जंगल, देख सकते हैं आप ऊपर सब कुछ नज़ारा, चारों साइड से बंद है पूरा, और हम दो तीन साइड से पहाड़ है, उसके बीच में हम खड़े हुए हैं। सब कुछ इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ और जो यहाँ पर जो पहला झरना है जो प्रारंभ होता है, ये देखिए ये पानी भरा है, इसमें जो मछलियाँ हैं छोटी छोटी मछलियाँ ये देख सकते हैं आप, ये सभी इस तरीके से पाई जाती हैं इसमें। और ये देख सकते हैं ये सभी लोग हैं जो यहाँ पर कोई पानी पी रहा है, कोई घूम रहा है, इस तरीके से आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ ऊपर से ये गिर रहा है पानी और यहाँ पर सभी लोग पानी पी रहे हैं। तो विजिट करते हैं आगे वीडियो में, सभी कुछ आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए तो चले जाएंगे तुम आगे, तो देखिए छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ देख सकते हैं आप वीडियो में। तो अभी आपको एक बड़ा झरना और दिखाएंगे आगे, तो बने रहिए वीडियो में। अभी लोग बाग यहाँ के बता रहे हैं कि जो यहाँ का जो पानी है जो बंद हो गया था, किसी का कारण होगा जिससे यह बंद हुआ था। बता रहे हैं कि जो लेडीज थी यहाँ पर जो चढ़ गई थी, वैसे आज तक ही ऐसे प्रतीक होता है लेकिन चढ़ जाते बंद हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से आप बता रहे हैं वो ठीक है। तो अभी लोग बता रहे हैं कि इस तरीके से बंद हो गया था, जो फिर जो गंगा जी में से पानी ला कर यहाँ इसमें डाला था तब ये चालू हुआ था, ऐसा बता रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रतीक है यहाँ पर मान्यता का। ये देखिए हम सब लोग जा रहे हैं अभी, और ये मेरे साथी सब लोग जो काम से आए हुए हैं, अभी सब देख सकते हैं इस वीडियो में, ये सभी लोग हैं जो आए हुए हैं मेरे साथ में ही, और यहाँ से सब कुछ प्रारंभ होता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये बना हुआ है, और बने रहिए वीडियो में। इस तरीके से ये अनाज पड़ा हुआ है जो डाल देते हैं, प्रसाद ही चढ़ाते हैं इस तरीके से यहाँ पर सभी लोग। और उधर में आप देख सकते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं सब कुछ वीडियो में, बन रही है। यहाँ देखिए ये है भैरवनाथ का मंदिर, और यहाँ पे सभी लोग प्रसाद लेकर अपनी आशा को लेकर यहाँ पर आते हैं और कब पूर्ण हो जाती है उनकी आशा भी। और इस तरीके से यहाँ का व्यू है, मैं आपको सभी को वीडियो में दिखा दूँगा। ये भैरव का नाम कौन सी पड़ता है, हो तहसील मासलपुर। ये देखिए यहाँ पर ये भैरवनाथ जी का मंदिर, यहाँ लोग सभी लोग प्रसाद ही चढ़ा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा आ रहा है, बरसात भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। और
अभी आपको सब और जो कुछ है वीडियो में सब कुछ यहाँ का दिखाऊंगा मैं, तो बने रहिए। ये देखिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, जो सभी लोग यहाँ पर नहाते हैं और ये इधर से ऐसे पानी बह रहा है और सभी लोग यहाँ पर नहाते हुए हैं। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और मुझे तो काफ़ी इन्जॉय हो रहा है यहाँ। ये देख सकते हैं सभी लोग ऊपर भी नहा रहे हैं और सभी लोग नीचे भी इस तरीके से। देखिए और ये लोग हैं जो नीचे नहा रहे हैं, हम लोग इसी में ही नहाएंगे और बने रही वीडियो में सब कुछ आपको दिखाऊंगा। और आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे सब लोग नहा रहे हैं, यहाँ पर ही मैं अभी नहाया, अभी आपको वीडियो में देखा जैसे कि मैंने इस तरीके से यहाँ नहाते हैं। और इधर से जो लोग हैं जो प्रसाद लेकर आते हैं और यहाँ सामने दिख रहे हैं ये यहाँ पे इधर में वहीं चढ़ाते हैं सब लोग। तो अभी यहाँ पर मैं नहाया, देखिए काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया मैंने यहाँ पर और देख सकते हैं ये। तो मैंने जो बोला था कि अभी दूसरा झरना दिखाऊँगा यहीं है जो ऊपर से पानी गिर रहा है और यहीं पर नहाते हैं हम, पहले भी मैं यहीं नहाया था। और ये नीचे ऐसे बहते हुए धीरे धीरे जा रहा है और नीचे भी काफ़ी लोग नहा रहे हैं, अभी आपको देख रहे होंगे वहाँ नीचे सभी लोग वहाँ नहा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया मैंने, अभी और वीडियो में आगे मैं दिखाता रहूँगा, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैंने ये दिखाया यानी कि जो खो थी करौली ज़िले की मासलपुर तहसील में पड़ती है ये। तो अभी आपको जो इसका व्यू मैंने दिखाया और जो मेरे साथ आए थे सभी लोगों ने, अब घर के लिए हम जा रहे हैं। और तो यहाँ का तो मैंने पहले भी बता दिया कि जो एक लेडीज थी यहाँ से गुजर गई थी और इसके चलते ही वो पानी बंद हो गया था। तो इस तरीके से जैसे कि उस पानी को फिर गंगा में से पानी मंगाया और वहाँ से फिर उसको डाला तब उस चाली पानी शुरू हुआ था। तो अभी हम घर के लिए जा रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे क्या होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन होती है वो तुरंत आपके पास पहुँच जाती है। तो मैं इससे भी अच्छे अच्छे दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।